ढूंढ निकालूंगा उन्हें, और जब तक ढूंढ नहीं कमरे में अंदर आने से पहले नॉक करते हैं, हर जगह छापा नहीं मारते। जब से पुलिस में गए हो मैनर्स भूल गए हो। I'm sorry, भूल गया था मैं। परेशान हूँ बहुत। इस घर में कौन परेशान नहीं है तुम्हारी हरकतों के बाद? Not now, माजी, please, not now. ये वक्त नहीं है। ऑलरेडी बहुत जख्मी हूँ मैं। मेरी बहू भाग गई है, मैं FIR कटवाना चाहती हूँ। प्लीज माजी, शी इज माई वाइफ। और ये मसाइल जो है ये थानों में हल नहीं होते हैं। बदनामी होगी मेरी, पूरा डिपार्टमेंट मजाक उड़ाएगा मेरा। तो फिर वही करो जो तुम्हें करना चाहिए एज एन SSP हस्बैंड। वो गई कैसे और क्यों गई? कैसे गई ये टैबी से पूछो, और क्यों गई ये अपने आप से पूछो। आई होप कि वो ब्रशना को साथ लेके नहीं गई। उसकी कमजोर नहीं थी, तुम्हारी अमानत यही टैबी के पास। मैं लाला के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, अपने बारे में। हम सब अपने आप को खूब जानते हैं। जान सकते, काश कि हम सब एक दूसरे को जान सकते। दीदी आप और यहाँ? मुझे पिंड आजम खान जाना। पिंड आजम खान तो यही है। आपको किसके घर जाना है? नजीर चाचा। नजीर चाचा? नजीर चाचा तो मेरा नाम है, मैं हूँ नजीर चाचा। आप कौन? मेरा नाम सायरा है, मैं सरदार अल्लाह यार खान और माजी मेहताब बानू की बहू। आप बड़े साहब की यारी की बीवी हूँ मैं। लेकिन बीबी आप यहाँ इस वीराने में अकेली, खैर तो है ना? बाद में बताऊंगी, गांव किधर है? ये सारा गांव, ये सारी जमीन आपकी जागीर, आप मालिक हैं यहाँ की। गांव आइए। अगर आपने 25 अक्टूबर 2011 से अपनी टॉकशॉक सिम नहीं इस्तेमाल की तो अभी सिम वापस लगाएं और फौरी 100 फ्री मिनट्स और 1000 फ्री SMS हासिल करें, वो भी बगैर किसी इजाफी चार्जेस या इस्तेमाल के। एक्टिवेशन के लिए 222 डायल करें।
तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं कि ये सब झूठ है? देखो भाई, मैं अगर हस्ती खेलती रहती हूँ ना, या अक्सर बातों को इग्नोर कर जाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं... देखो, I'm a policeman. उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं। पहली नजर में देखते पहचान गया था उसे कि she's a bloody... होगी, यकीनन। लेकिन अब वो अपना माजी भूल चुकी है। And you please don't try to convert her back to what she was. हकीकत तो ये है कि वो घर छोड़कर चली गई है और इसके जिम्मेदार तुम हो। Listen to me, भाई। अब ये सोच लो कि करना क्या है। शेरी, लाला और अब सायरा, किस किस की तलाश? शेरी और लाला के लिए तो मैं खुल के इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, और रही बात सायरा की तो I'm not worried about her. It's a very simple case. पताल में से भी ढूंढ निकालूंगा मैं उसे। रिश्तेदारों से हम कह सकते हैं कि she's gone to England. और ब्रश्ना को माँ जी ने जबरदस्ती रोक लिया, लेकिन मेरी अपनी फोर्सेस में तो मेरी एक रेपुटेशन है, उसका क्या करूँ मैं? एयरपोर्ट पर तस्वीरें भिजवा दी मैंने उसकी, बिकॉज नोबडी नोज कि वो मेरी बीवी है। क्या किया है उसने? हाउ कैन शी? She's my life. अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दो। Shut up, यारी। अब ये देखो कि क्या करना है, किस तरह करना है। सिर्फ शर्मिंदगी नहीं उठाई हम सब ने, बहुत दुख मिला उसकी इस हरकत से हम सबको। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करेगी। She was always madly in love with me. जो हरकत तुमने की, उसके बाद who can love you? मैं मजीद उलझना नहीं चाहता। प्रश्ना से मिलकर जाना, वो किचन में तुम्हारा इंतजार कर रही है। आई नो। नज़ीर चाचा, मुझे यहाँ अकेले रहना है तो एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। ख़ानदान में किसी को ना पता चले कि मैं यहाँ हूँ, ख़ास तौर पर यारी साहब, उनका यहाँ आना जाना तो नहीं है ना? नहीं नहीं बीबी जी, वो तो साल में एक आध बार आते हैं, या वो उनको कभी ज़रूरत हो ना तो मुझे बुलवा लेते हैं, या वो मेरे घर में आ जाते हैं। जी भाई, वो ये जो है जी, ये गेस्ट हाउस, ये यारी साहब के वालिदे मरहूम बड़े सरदार साहब ने बनाया था। उनको शिकार का बहुत शौक था ना, ये बराबर में से तो आगे जंगल शुरू हो जाता है। वो खुद भी आके यहीं ठहरते थे और मेहमानों को भी यहीं ठहराते थे। बड़े साहब तो ऐसे ही कभी साल वाल में एक आध मरतबा मैं आता जाता रहता हूँ, या दो चार दस दिन के बाद इसकी सफाई करवाता हूँ और फिर चला जाता। लेकिन ये बात तय है ना कि ये जगह बिल्कुल तन्हा है, यहाँ किसी का गुजर नहीं होता? जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये मेरे घर से बहुत दूर जगह है, यहाँ कोई भी नहीं आता, बस मैं ही कभी कभार। बीबी जी, आपकी शादी के बाद जब वलीमा हुआ था ना, तो मैंने भी हाजिरी दी थी उधर हवेली में। ग्रेट। एक आखिरी बात नज़ीर चाचा, आप इस बात का जिक्र अपनी बीवी से करेंगे कि मैं यहाँ आई हुई हूँ, यहाँ ठहरी हुई हूँ? अरे बीबी जी, मुझे सुगरा पर भरपूर एतमाद है, लेकिन अगर आप ज़रूरी समझेंगी कि उसको ना पता चले तो मैं आपका नमक खार हूँ। आइए।
अब ये सायरा का मसला कैसे हल किया जाए? हर जगह शदीद बदनामी होगी कि एसएसबी की बीवी भाग गई।